ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक लोअर पाउच के बेस्ट चार वर्कआउट। बहुत सिंपल, टू दी पॉइंट, शॉर्ट होने वाला। कोई भी एज ग्रुप का हो, बैक फ्रेंडली है तो कोई भी कर सकते हो। ये उन फीमेल्स के लिए इफेक्टिव है जिनका सी सेक्शन हो चुका है, तो वो अगर अपने लोअर पाउच से परेशान है तो ये वर्कआउट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है। आइए शुरू करते हैं टॉप फोर वर्कआउट फॉर योर लोअर बेली। ओके, जो फर्स्ट वर्कआउट है वो है फुल क्रंच। ये लगाने वाले हो आप कितने, 12 रेप्स के 3 सेट मिक्सचर फॉर्म। देख लो पहले, ऊपर आओगे ब्रेथ आउट, पूरा रीजन नहीं जाना है, इसी रेंज पे आपको पूरा खेलना है। 5, 6, 7, कम ऑन, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सो मेक श्योर जो फॉर्म है वो ऊपर की तरफ, ब्रेथ आउट देन डाउन, ब्रेथ आउट देन डाउन, ये रेंज रखना है आपको। अगर और टफ बनाना है तब पूरा पास ले जाओ, फ्री स्ट्रेट करो ये। तो दोनों ही सही है, डिपेंड करता है आपके बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ होने वाली है। ये फर्स्ट वर्कआउट है, लगाने वाले हो कितने, 12 रेप्स के 3 सेट्स। ओके, जो सेकंड वर्कआउट है वो है फ्रॉग क्रंच। मेक श्योर आपका पैर की हील जो है वापस ऐसे टच हो, देन वापस देन स्ट्रेट, अंदर देन स्ट्रेट, अंदर वाइड करके फ्रॉक की तरह बाहर स्ट्रेट। इजी, कितना लगाओगे, एटलीस्ट 15 रेप्स। अंदर इजी 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 इजी, कम ऑन इजी 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 डन। सो जो दूसरी वर्कआउट है वहां पर फॉर्म बहुत जरूरी देखना। तो किसी भी मसल ग्रुप को अगर ट्रेन कर रहे हो तो आपके कोर पे इंपैक्ट पड़ना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। चौथी वर्कआउट बहुत इफेक्टिव है तो वो करना भूलोगे नहीं। आइए बढ़ते हैं थर्ड वर्कआउट की ओर। ओके, जो थर्ड वर्कआउट है वो महादिहादी वर्कआउट है। महादिहादी का मतलब ये है चक्की चालन। सिंपल, हाथ को इस तरीके से गोथ लेना है और इस टो से टच होते हुए, इस टो से टच होते हुए पूरा पीछे देन आगे। इजी, 5 रेप्स लगाने वाले हो क्लॉकवाइज, 3, पूरा एब्स पे टेंशन बढ़ेगा, 4, 5, फील हो रहा मुझे अपने एब्स पे, अपोजिट बांध, 2, ये 3, कम ऑन, 4, 5, देखा, ये आपके अपर एब्स, मिड सेक्शन और लोअर कोर पे ज्यादा से ज्यादा टेंशन देता है। ये लगाने वाले हो कितने, 5 रेप्स राइट साइड से, 5 रेप्स एंटी क्लॉकवाइज से। ये होगा आपका थर्ड वर्कआउट, बशर्ते फॉर्म टेक्निक आप ध्यान से देख लो, वीडियो को सेव कर लो या किसी को शेयर कर दो ताकि पता चल जाए कि हाँ आपके पास वो वाली वीडियो है। आइए बढ़ते हैं लास्ट, सबसे इफेक्टिव वर्कआउट। ओके, लास्ट वर्कआउट है ऑल्टरनेट टो टैप। अब टैप जितना आपसे वाइड हो सके आप उतना वाइड ले जाओ, ये आपके एज आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस आपका फिट कितना निकला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप 1, 2, 3 पास करोगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कम ऑन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। सिंपल, ये सारे वर्कआउट जितने मैंने आपको बताए सारे बैक फ्रेंडली है, कहीं भी नीज पे एक्स्ट्रा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो अगर आपका हाल ही में भी सी सेक्शन हुआ है तो ये वर्कआउट 4 आपके लिए बेस्ट है, बट मिनिमम ध्यान रखना सी सेक्शन के एटलीस्ट 8 से 9 महीने के बाद ही आपको इस सारी वर्कआउट को परफॉर्म करना है। साथ में चाहते हो मैं आपको पर्सनली ट्रेनिंग भी दूँ इनके तरह, तो उसका डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चीज़ों को एनरोल कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको ट्रांसफॉर्म कराने वाला हूँ, तो डिटेल चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग सी वर्कआउट वीडियो में।